देखिए बर्थडे बाद पार्टी जोज भी होती है, जिसे जिसके बर्थडे हम वो तो हर समय लॉकडाउन में भी हम लोग सेलिब्रेट कर ही देते फ़ोन पे या अपने सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद पहला मौका मिला जो हम लोग पर्सनली आके सबको विश कर रहे हैं, तो श्रेय जी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रेय जी बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसी बहुत अच्छे निर्माता हैं, और उनसे ये विनती करूँगा कि हमेशा वो अच्छी फिल्में बनाते रहें, और मेरी तरफ़ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। लंबी उम्र हो और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा स्वस्थ रहें यह मैं कहना चाहूँगा। देखिए मेरा तो म्यूज़िक से कोई लेना देना है नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, लेकिन म्यूज़िक कंपनी जो भी खोल रही है, जो भी नहीं आ रही, मैं उनसे इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि थोड़ा सा अश्लीलता पर आप लोग ध्यान दीजिए ताकि अश्लील गाने ना आए। और अभी रवि जी ने भी एक स्टेप लिया है कि इसका एक सेंसर हो, ताकि क्योंकि भोजपुरी जैसे मैं अभी वेब सीरीज के लिए एक बिहार बैकड्रॉप एक सीरीज बन रही, बहुत बड़ी वेब सीरीज बन रही, मेरे साथ शॉर्टलिस्टेड हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी का के लिए जो भोजपुरी के लोगों का जो वहाँ माइंड सेट है कि ऐसे लोग हैं, अच्छे एक्टर नहीं हैं, या वहाँ अश्लीलता ज़्यादा है, वहाँ लोगों को सही समझ कुछ भी गाते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये एक सम्मानजनक हम लोगों को भी देखा जाए, गाने ऐसे बने कि लोग सम्मानित होकर देखें, उसे सम्मान की नज़र से देखें। तो यही कहूँगा तारारंभा म्यूज़िक के लिए, मैं इतना बोलूँगा कि भगवान इस कंपनी को खूब तरक्की दे और अच्छे गाने, खूबसूरत गाने बनते रहें। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी फिल्मों का लॉस भी हुआ है सुनने में, थिएटर नहीं मिलते, रिलीज नहीं हो रही, तो आप कैसे आगे आने वाले सिनेमा को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, अभी सबसे अच्छा अगर थिएटर का नहीं है तो सबसे ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में शुरू हो गई है, वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होने लगे हैं, डिजिटल प्रीमियर होने लगे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि अगर एक रास्ता बंद है तो एक रास्ता खुला है, टीवी पे आ गई है, और टीवी के माध्यम से लोग ज़्यादा देख रहे हैं फिल्में, जो लोग पहले थिएटर में नहीं जाती थी, जो खासकर औरतें हैं या जो जिनको लगता था कि थिएटर में उतनी सुविधाएँ नहीं है, वो घर पर देख रहे हैं फिल्म। और थिएटर में देखने का एक अलग मज़ा है, लेकिन थोड़ा समय ख़राब है, एक पेंडेमिक है, तो ये पेंडेमिक थोड़े दिन में गुजर जाएगा, थिएटर में वापस फिल्में आ जाएंगी, तो अभी टीवी पर फिल्में हैं, और इससे एक फ़ायदा हुआ है कि सब्जेक्ट अच्छे अच्छे बन रहे हैं, नई नई सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, तो OTT प्लेटफॉर्म और आने वाला समय में टीवी डिजिटल है, OTT पे भी अच्छी फिल्में शुरुआत हो रही हैं धीरे धीरे, एक समय लगेगा लेकिन सब सही हो जाएगा। लॉकडाउन में आपने कौन सी फिल्में की हैं जिसका शूट हो चुका है? नहीं, लॉकडाउन में मैंने कोई फिल्म नहीं की, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो फिल्म करने है, लेकिन मैंने फिल्में तो काफ़ी साइन कर रखी है, अब सब शुरू होंगी, लगातार होंगी, तो डेटों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म बाबुल करके, हम लॉकडाउन से जस्ट पहले आए थे बाबुल, और एक फिल्म की थी बाबुल की गलियां, तो दो फिल्म करके मैं आया था और लॉकडाउन लग गया, तो आगे की जो फिल्में हैं आगे शुरू होंगी, अब देखा जाएगा। लॉकडाउन में कैसे आपने अपना टाइम स्पेंड किया है? बहुत अच्छा, देखिए मेरा तो बच्चा है 2 साल का लगभग, और उसके साथ टाइम स्पेंड पता नहीं चलता कब टाइम ख़त्म हो गया, और बहुत इंजॉय था, बीच में थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिल्में देखता हूँ काफ़ी, मैं फिल्म देखने का बहुत शौकीन हूँ, और OTT आपके पास इतने नेटफ्लिक्स या अमेज़न है, तो अच्छी अच्छी फिल्में देखता हूँ, और मैं इसी बीच में अपनी कहानियाँ भी लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ कहानियाँ उपज हुई हैं तो मैंने उसको भी लिखा है, और कुछ कहानियाँ सेलेक्ट भी हुई हैं, तो मैं ये भी एक काम कर रहा हूँ, इस लॉकडाउन ने एक फ़ायदा हुआ कि किताबों से जुड़ा हूँ, लिखनी से जुड़ा हूँ, और बच्चों के साथ खेल के टाइम स्पेंड होता है, बाकी समय थोड़ा 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तो इस तरह मेरा बढ़िया सा टाइम गुजर जा रहा है। मिस नहीं किया पार्टीज़ को या किसी रेयर पार्टीज़ को या कहीं जाते हैं? नहीं, मुझे ऐसे ही भीड़, मतलब मैं ऐसे ही पार्टीज़ में बहुत जाने का शौक मुझे नहीं है, लेकिन कभी बहुत जो अपने खास लोग हैं जो वहाँ जाने जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि पार्टियों से तो अभी जितना बचे उतना अच्छा है, भीड़ में मत जाएं, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी ठीक है, बहुत कम लोग हैं देखें आप एक हिसाब से, और मैं यही चाहूँगा कि ये बस पैंडमिक ख़त्म हो जाए, सब अच्छा हो जाए, भोजपुरी सिनेमा का उत्थान हो, और मेरी एक हिंदी फिल्म है लवी लोकतंत्र जी की शूटिंग चल रही है, रवि किशन जी उस फिल्म में है, स्नेहा उलाल है, ईशा कोपिकर है, मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला उस फिल्म में राज प्रेमी जी के थ्रू, और राज प्रेमी जी ने मुझे उस फिल्म में अच्छा रोल दिया है, तो 2 दिन काम रह गया, अभी शूट ख़त्म हो जाएगी, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का इंटरटेन करता रहूँ, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, और हमेशा आपको नज़र आता रहूँ। तो हमारे दर्शक जब भोजपुरी जाते हैं, उनका
कुछ मैसेज देते हैं? बस यही कहूँगा कि खुश जहाँ रहिए खुश रहिए, और इस पैंडेमिक में भी आपने आपको तंदुरुस्त रखिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए। बुरा दौर हम सबका आता है, ज़िंदगी में भी आता है, किसी को कोसिए मत। हम भी बहुत ज़िम्मेदार होते हैं, हम भी कई कमियाँ रखते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। तो बस इन सब चीज़ों को दिमाग में रखिए और थोड़े मजबूत रहिए, और इस पैंडेमिक से गुजर जाएंगे। बुरा वक्त है, गुजर ही जाएगा। एक कहावत है ना कि एक अच्छा पल के बाद एक बुरा पल, बुरा पल के बाद अच्छा, तो रात के बाद सुबह होती है। तो बस सुबह होगी, आप सब मजबूत होइए और आगे आगे अपने अपने भविष्य में जो सोच रखा है उस पर वापस से काम शुरू करिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.